युवा से शुरू करो। अगर युवा से शुरू करने की बारी आए तो अरुण मुझे तुमसे शुरू करना, मैं हो जाऊंगा। कोरोना में हमें इतनी बार हाथ धोने पड़े कि लग रहा था कि हाथ से हाथ नहीं धोने पड़ जाए। दरअसल क्या है, इतनी देर से बुजुर्ग कोई कुछ मन का अंदर का बच्चा जो है वो जीवित रहना चाहिए। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे कहने के लिए सेल प्रेजेंट्स, वाह भाई वाह। पूरा विश्वास है कि आप हंसने के लिए तैयार हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुस्कुराने के लिए तैयार हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सोचने के लिए, समझने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जिंदगी में विश्वास होना चाहिए, विश्वास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अतिरिक्त आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज फाइन बट ओवर कॉन्फिडेंस नो। जैसे जंगल के राजा शेर एक दिन निकल गए, भाई कॉन्फिडेंस तो है ही, जंगल के राजा है। तो सामने से एक जानवर आया, खरगोश चला आया, तो खरगोश को पूछा, दादा जंगल का राजा कौन है? अरे बोले आप हो, और कौन हो सकता है, जंगल के राजा आप है। थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा, फिर आगे बढ़े, एक लोमड़ी मिल गई, बोलो जंगल का राजा कौन है? अरे आपके सिवाय कौन हो सकता है, आत्मविश्वास और बढ़ गया। दो तीन जानवर ऐसे ही मिले, सबको पूछा, सबने कहा हुजूर आप है, जंगल के राजा आप है, आत्मविश्वास कमाल का हो गया। अंततः एक हाथी मिला, हाथी मदमस्त अपनी मस्ती में झूमता चला आ रहा था। शेर ने हाथी से भी पूछ लिया, बताओ जंगल का राजा कौन है? हाथी को आया गुस्सा, लपेटा सूंड में, उठा के दूर फेंक दिया। शेर खड़ा हुआ, बोले नहीं मालूम तो ना बोलना, गुस्सा काहे को होता है यार। जीवन में अतिरिक्त आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास वो लोग हैं जिनके पास अतिरिक्त ज्ञान है, अतिरिक्त हंसी है, अतिरिक्त ठहाके हैं, और हम इनसे मिलते हैं और इनके लिए कहते हैं वाह भाई वाह। तो स्वागत है आप तीनों का जो हमारे इस मंच पे उपस्थित हैं, और देश बेताब है आप लोगों को सुनने के लिए। तीन लोग यहाँ उपस्थित हैं जो एक इस तरफ युवा पीढ़ी के हैं, उधर भी मतलब लगभग युवा पीढ़ी के ही हैं, और इस युवा पीढ़ी ने बुजुर्ग पीढ़ी को संभाल रखा है जो बीच में। हालांकि मेरे बुजुर्ग कहने पर अरुण जैमिनी एतराज कर रहे हैं, गलत ये गलत बात है, बहुत गलत बात। क्यों आप क्यों नहीं चाहते आपको बुजुर्ग कहा जाए? हूं नहीं ना, आप हैं नहीं ना, आप वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ हो सकता हूँ, बहुत सोच के कहा कि मैं वरिष्ठ हो सकता हूँ, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। वाह वाह वाह, यानी वरिष्ठ चाहे कितने हो, अभी कविताएं और जिंदगी के गमों की, दर्द की, मुस्कुराहट की कहानी बाकी है। अरुण जैमिनी कह रहे हो बुजुर्ग मत कहो, अभी जवानी बाकी है। तो ये है अरुण जैमिनी, देश के हास्य कवियों के बड़े, जो हास्य कवियों का जो नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है, हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों के बड़े जाने माने नाम है, वो हमारे बीच में उपस्थित है, और उनके पास, उनके बाईं ओर जो बैठे हैं, बहुत कम कवि ऐसे होते हैं जिनको सुनना एक अलग अनुभव देता है। और वे व्यक्ति जो अपने जीवन के संघर्षों से निकल के आया, बहुत छोटी सी जगह से निकल के, वे व्यक्ति जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से सारे देश में ही नहीं दुनिया भर में अपना नाम कर लिया और सब कुछ आगे बढ़ाया, अपना नाम, अपने शहर का नाम, कविता का नाम, अपना पेट भी। उनका नाम है संजय झाला जो हमारे बीच में। संजय झाला मूलतः राजस्थान दौसा के हैं, लेकिन जयपुर से आते हैं, सरकारी अधिकारी हैं। अरुण जैमिनी के दाईं ओर जो बैठे हैं वो पार्थ नवीन हैं। पार्थ नवीन युवा हैं और पूरी ऊर्जा के साथ कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान के प्रतापगढ़ से आते हैं। अरुण जैमिनी किसी भी प्रकार के कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं है, सारे जीवन उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा काम किया हिंदी कविता का काम किया। तो मैं आपके लिए जोरदार तालियां बजाऊंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं, किसे बुलाऊं, किसे बुलाना चाहते हैं, क्या लगता है किसे बुलाऊं सबसे पहले? युवा से शुरू करो। अगर युवा से शुरू करने की बारी आए तो अरुण मुझे तुमसे शुरू करना, मैं हो जाऊंगा। ये इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है जी। एक नए जो है हर साल 80 साल की उम्र तक हर साल अपनी पत्नी से ब्याह करता था। अच्छा, बोले क्या करते हो यार तुम हर साल अपनी पत्नी से शादी करते हो? बोले सिर्फ एक वाक्य सुनने के लिए कि फेरों के लिए लड़के को बुलाओ। और जो 80 साल का व्यक्ति था अरुण, उसमें एक कमाल की बात हो रही, 80 साल का व्यक्ति जिससे शादी करता था हर साल, मतलब अपनी पत्नी से, उसे सिर्फ डार्लिंग डियर कह के बुलाता था। तो लोगों का इतना प्यार, अभी तक सिर्फ डार्लिंग डियर कहते हो? बोले 60 साल का था जब नाम भूल गया, उसके बाद याद ही नहीं आ रहा। लेकिन हम उसे बुला रहे हैं जिसका नाम आप नहीं भूलेंगे, पार्थ नवीन।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शैलेश जी। वाह भाई वाह के माध्यम से मैं देश के सभी श्रोताओं को अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। तो मैं एक छंद सुनाता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है जी। तो एक लड़का मंदिर में गया, उसने मंदिर में जाके एक प्रार्थना करी। हाँ। वो उसकी प्रार्थना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसने क्या कहा कि भगवान गर्मी को थोड़ा और तेज करो ताकि मजे लेने नैनीताल चला जाऊं। हाय हाय क्या बात है। भगवान गर्मी को थोड़ा और तेज करो ताकि मजे लेने नैनीताल चला जाऊं। मैं ताल तलैया में जल भरा रहे लबालब ताकि जल क्रीड़ा को भोपाल चला जाऊं। मैं ताकि जल क्रीड़ा को भोपाल चला जाऊं। मैं एक्सीडेंट भी करो तो एम्बुलेंस से ही करो, एक्सीडेंट भी करो तो एम्बुलेंस से ही करो ताकि उसमें ही अस्पताल चला जाऊं। मैं पत्नी के सी भी दे दो साली टना टन देना ताकि बिना काम ससुराल चला जाऊं। ताकि बिना काम ससुराल पत्नी कैसी भी देना साली टना टन देना, क्या सात्विक विचार है भाई। वहां पर मैं अपने बड़ों से सीखता हुआ आया हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोनों हाथ उधर करो, वो बड़े भाई है। मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ, हाथ से गीत सुनाता हूँ आपको। हाँ। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, इसको प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है। एक को जब प्यार का बुखार चढ़ा तो मैंने उसके लिए गीत लिखा है, वो गीत आप तक पहुंचाता हूँ। अरुण जैमिनी को समर्पित कर। मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। इतना भटका तू लैला की गली में, जवानी सेकंड हैंड हो गई। मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। उसके इश्क में पागल होकर बना देवदास, उसके इश्क में पागल होकर बना देवदास। तू सांड बनकर घूमा उसने नहीं डाली घास। तू तो बना रहा निर्धन नेपाल, वो टर्की थाईलैंड हो गई। प्यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। प्यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। उसके सारे काम किए थे तूने बनकर रामू, उसके सारे काम किए थे तूने बनकर रामू। सर्किट शॉर्ट हुआ अब मुन्ना बना हुआ है मामू, सर्किट शॉर्ट हुआ अब मुन्ना बना हुआ है मामू। फूल ले करके, हाँ फूल ले करके, फूल ले करके खड़ा रहा फूल, वो और से अटेंड हो गई। मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। मेरे यार चढ़ा मलयागिरी का चंदन लाया करवंदन अभिनंदन, मलयागिरी का चंदन लाया करवंदन अभिनंदन। शेरनी करती नहीं है शेरू से गठबंधन, शेरनी करती नहीं है शेरू से गठबंधन। तू तो मंदिर का घंटा ही रहा, वो डीजे वाला बैंड हो गई। मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। एक कार ने मारी देखो बुलडोजर को टक्कर। गुड़ के गुड़ रह गए गुरुजी चेली हो गई शक्कर। फोन तूने दिया वो इंटरनेट पे सभी की गर्लफ्रेंड हो गई। मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। प्यार का बुखार चढ़ता है तो कहानी दी एंड तो हो ही जाती है पार्थ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्यार का बुखार चढ़े तो कहानी प्रारंभ भी हो जाती है। और जैसा संतोषानंद जी इतना शानदार उन्होंने लिखा है कि उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी न हो, और वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। मुझे याद आता है एक ज़माने के अंदर एक लड़का अपनी प्रेमिका के पास बैठा था और कहा कि मैं तेरी जुल्फों के साथ खेलना चाहता हूँ। उसने विग उतार दी, बोले सुबह तक खेल। तो इस तरह से कहानी भी दी एंड हो जाती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी कहानी न दी एंड होती है न कभी होगी, क्योंकि वह व्यक्ति चिर युवा है, उसकी कविताओं में जवानी है, उसमें खुद में रवानी है और उसकी अपनी एक कहानी है। अरुण जैमिनी जो हमेशा मुस्कुराता है, अरुण जैमिनी जो हमेशा अपने साथ ठहाके लेके जाता है, हिंदी कवि सम्मेलनों में अगर अरुण जैमिनी है तो मतलब सफलता की गारंटी है, ऐसा वो स्वयं कहते हैं।
लेकिन सत्य बात यह है कि ये मैं भी कहता हूं और सारा देश कहता है, आए अरुण जेमिनी। अरे प्रेम की बात कर रहे थे पार्थ जी, हरियाणा में प्रेम की स्थिति बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ इस तरह के प्रस्ताव नहीं रखे जाते। अच्छा। वो एक प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली, ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। अच्छा। तो लड़का बोला, ईसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? बड़ा नया तरीका है। वाह, विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हमारे यहाँ संभव है। दरअसल क्या है, इतनी देर से बुजुर्ग कोई कुयो कुछ कर, उनके मन का अंदर का बच्चा जो है वो जीवित रहना चाहिए। हाँ, सही बात। और मेरा बच्चा मेरे अंदर जीवित है हमेशा। बहुत बढ़िया, क्या बात। और हरियाणा के बच्चों का तो वैसे भी कहना क्या, वो आजकल एक सिस्टम शुरू हुआ है ना जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कुछ स्कूलों में गुरु जी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियाँ उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियाँ उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूँ। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानने का? बोले इतने भात कौन भरेगा। तो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है तो निकट का तो जानता ही। जानता, बिल्कुल जानता। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा इसका भविष्य काल बता। हाँ। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। तो ये भविष्य काल भी हरियाणा का बालक ही बता सकता है जी। बहुत बढ़िया। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू है। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। अच्छे। हमारी भी मान ले भाई, हमारी मान ले। क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया। हाँ, तो कितनी बार जोतोगे भाई उसे? बहुत अच्छे। वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती। तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। अच्छा। तो एक छोरा बोला, मारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही से। तो अगलों को ले छुट्टियां हैं भाई। तो बच्चे कमाल है। इस बच्चों पे मुझे एक छोटी सी कविता याद आ गई। विद्यालय के सामने सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है कृपया गाड़ी धीरे चलाएं कहीं बच्चे कुचल ना जाएं। कृपया गाड़ी धीरे चलाएं कहीं बच्चे कुचल ना जाएं। एक शरारती बच्चे ने नीचे लिख दिया, अध्यापक बचने ना पाए। हाय हाय, क्या बात है। जब तक व्यक्ति के भीतर की संवेदनाएं, जब तक व्यक्ति के भीतर की मस्ती, जब तक व्यक्ति के भीतर की हंसी जिंदा है, वो तब तक ही इंसान है। वरना उसके बाद तो इंसान है या नहीं। तब मुझे जॉन एलिया साहब का एक शेर याद आता है कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे। वो कहते हैं कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। तीसरे कवि जो हमारे यहाँ उपस्थित है, सामने बैठे हैं और बड़ी खास मुद्रा के अंदर बैठे हुए हैं। इनका वस्त्र विन्यास और केश विन्यास हमेशा कमाल होता है। वस्त्र एक ही रंग के पहनते हैं आप, देखें पैंट भी उसी रंग की, जैकेट भी उसी रंग की, शर्ट भी उसी रंग की, और केश विन्यास भी इनका कमाल का होता है। ये जो लटें उलझी उलझी सामने से आ रही हैं, तो जाने क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन ये लटें आके कुछ स्वयं कहेंगी तो बेहतर होगा। तो अपनी जुल्फों को सहलाते हुए, थोड़ा सा संवारते हुए, मुस्कुराते हुए, संजय झाला आइए, जरा कविताएं सुनाइए और आप जरा तालियां बजाइए। चले जी, अभी आपने कोरोना का जिक्र किया जी, कोरोना ने बहुत रुलाया, लेकिन हमने उसमें से भी हाथ से निकालने का प्रयास किया जी। आप लोग आनंद लेंगे टिप्पणियों का। वो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि कोरोना से बचने के कोई 2 उपाय बताओ। अच्छा, कोरोना से बचने के कोई 2 उपाय बताओ। उसने कहा पहला, भीड़ में मत जाओ। और मैंने कहा दूसरा, अगर भीड़ में जाओ तो फिर भाड़ में जाओ। अब ऐसी ऐसी स्थितियां आ रही थी, एक एक टिप्पणी एक एक पंक्ति का आप लोग आनंद लेंगे। कोरोना में हमें इतनी बार हाथ धोने पड़े
कि लग रहा था कि हाथ से हाथ नहीं धोने पड़ जाए। बहुत बढ़िया, हाथ से हाथ नहीं धोने पड़ जाए। और आप देखिए किस किस के साथ क्या क्या अन्याय किया कोरोना ने। की बात क्या बताऊं संजय, इतना डर लगता था कि जिस साबुन से मैं हाथ धोता था बाद में वो दूसरे साबुन से वो साबुन भी धोता था। स्थिति ऐसी थी। अब मैं, मुझे बात याद आ रही है कि कोरोना ने किस किस के साथ क्या क्या किया जी। कि जो लोग सौंदर्य का रसपान करने के लिए घाट घाट घूमते थे वो जलपान करके खाट पर ऊँगते रहे। क्या ये इशारा अरुण जैमिनी की तरफ है? ये बिल्कुल बिल्कुल ये अरुण जी के लिए है। और भी जो आगे की पंक्ति है ये भी उन्हीं के लिए है। कि प्रेमियों के लिए कोरोना प्रेम चौपड़ा बनकर आया। प्रेमियों के लिए कोरोना प्रेम चौपड़ा बनकर आया, सालों को वैलेंटाइन डे के दिन क्वारंटाइन कर दिया। और साहब जो लोग ब्याह के लिए मरे जा रहे थे, जो लोग उतावले हो रहे थे, सफेद कोरोना किट पहनकर जिन्होंने ब्याह किया, ऐसा लग रहा था जैसे दो प्रेतात्माओं का ब्याह हो रहा है। सही है बिल्कुल। अब कोरोना ने पतियों को पतित होने से बचाया। वाह बहुत अच्छे अरुण जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। कोरोना ने पतियों को पतित होने से बचाया क्योंकि वो घर में ही रहे और लुगाई से ही प्रेम करना पड़ा। और एक बात के लिए मैं कोरोना को कोसना चाहूंगा साहब, आप लोग आनंद लेंगे कि हम लोग हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते थे, पिछले दो सालों में नाश जाए इस कोरोना का, इसने हमें हमारी उत्पादन क्षमता और हमारे पुरुषार्थ से वंचित कर दिया। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि कोरोना जो है वो करुणा का विषय निश्चित तौर पर है। पूरी दुनिया ने जो है बहुत कठिन समय देखा है, हम लोग घरों में बंद रहे, बहुत लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, इस बीमारी ने न जाने क्या क्या जुल्म नहीं किया, लेकिन हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी, हमारा जो म्यूनिसिपल स्टाफ है वो, और हर वो व्यक्ति पत्रकार मित्र या जो उन सेवाओं में लगे थे जो बहुत ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें ऐसी है, अगर वो लोग नहीं होते तो शायद हम इस कठिन काल को इतनी आसानी से पार नहीं कर पाते। आप सोचते होंगे कि विषय करुणा का है, निश्चित तौर पर है, लेकिन यही इंसान की ताकत है कि हर मुश्किल से लड़के निकल आए, हर कठिनाई से पार पा जाए और उसमें से भी हंसी और मुस्कुराहट का साधन ढूंढ ले। क्योंकि जीवन में अगर आप आंसू बहाएंगे तो कोई नहीं होगा जो आपके आंसू पहुँचेगा, लेकिन अगर आप उसमें से हंसी निकाल लाएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ हंसना चाहेगा। बस यही संदेश हम आपको देना चाहते हैं, समस्याएं चाहे जितनी कठिन हो लेकिन हमें उन पर हंसना आना चाहिए ताकि हम जिंदगी को आगे बढ़ते देख सकें। शैलेश भाई, शैलेश भाई, कोरोना पर मुझे भी एक बात ध्यान आ गई, तुमने इतना ज्ञान दे दिया कोरोना पर जी। वो सबसे पहले हमसे कहा गया वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें जी, हमारे लिए बड़ी दिक्कत। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। अच्छा, ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई जी, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे जी। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी, इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। क्या बात, मेरी कविता का असर पूरा विश्व में पड़ा। अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। क्या बात, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये देखा मित्रों, आपने कोरोना से भी हमने हंसी निकाल ली, और आप इसलिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम इसीलिए सबके हृदय में बसना जानते हैं क्योंकि कठिनाई कितनी भी बड़ी हो हम स्वयं पे हंसना जानते हैं। तो आइए हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम वो सेगमेंट लेकर आते हैं जिसका नाम है, ये कहानी थोड़ी इल्मी है, यानी फिल्म का एक दृश्य होगा लेकिन आप उसमें अपना इल्म का छोंक लगा दीजिए। तो देखते हैं, कहानी थोड़ी इल्मी है। बीरबल साहब है, रति अग्निहोत्री जी हैं, दृश्य बड़ा कमाल का है, आंखें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं बीरबल साहब की, इसमें क्या किसी को कुछ याद आता है इसमें? मुझे तो एक ही बात याद आ रही है जी, वो एक पार्टी में एक पुरुष जो है एक महिला को लगातार घूरे जा रहा था, जो ऐसे बिल्कुल ऐसे दो घंटे हो गए, तो उस महिला से रहा नहीं गया, बोली आई उसके पास, बोले क्या बात है आप मुझे दो घंटे से घूर रहे हैं, बोला ऐसा है तू बहुत बदसूरत है। अच्छा, बदसूरत है सीधा। अब इस जवाब की उम्मीद महिला को नहीं थी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, जैसा मुझे भगवान ने बनाया वैसी मैं हूँ,
है बोले तू तो बहुत कुछ कर सके थी, अपने घर नहीं रह सके थी। तो देखा मित्रों, ये है कमाल, वाह भाई वाह का। जितने लोग आते हैं ऊर्जा लेके आते हैं और ये ऊर्जा सब जगह पहुंच जाती है। इस कैमरे के माध्यम से हम आपके घरों में इस वक्त हैं और आपके घरों में भी आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और इसलिए महसूस कर रहे हैं कि जिंदगी में जहाँ हंसी हो, जहाँ खुशी हो, जहाँ गम ना हो और सिर्फ मुस्कुराहट की बात हो, वो आपको सिर्फ ऊर्जा ही नहीं देती, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। तब मुझे एक शायर का बड़ा खूबसूरत शेर याद आता है, जो जाते जाते कह देता हूँ कि बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर, बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर, दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। वाह भाई वाह।